गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सनराइज एजुकेशन अकेडमी समदनी में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने जा रहे हो नेम स्पेस, यानी सी प्लस प्लस। जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर उनके कुछ प्रोग्राम सीखा था, जो जिसे अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर, यानी सी प्रोग्राम की क्या संरचना था उसके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने सी प्रोग्राम की कुछ विशेषता पढ़ी थी सी भाषा की। आज फिर उसके बाद हमने कुछ हेडर फाइल के बारे में पढ़ा था, आईओ स्ट्रीम फाइल क्या होती है। आज हम पढ़ रहे नेम स्पेस, यानी नेम स्पेस का उपयोग कहाँ किया जाएगा। जब हमने उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखा था सी प्लस प्लस का, तो उसके अंदर पहले अपने एक हेडर फाइल का यूज होता था, फिर उसके बाद क्लास को डिफाइन करते थे, फिर उसके बाद मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते थे, और लास्ट में आता था आपके मेन फंक्शन। तो जैसे आपने हेडर फाइल को डिफाइन किया, जैसे मान लो यहां लगाते थे इस प्रकार का जो सिंबल होता था, इसको अपन कहते थे प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव फाइल। अब इसके अंतर्गत एक फाइल लगती थी जिसका नाम था इंक्लूड, यानी आप इसे हेडर फाइल या इंक्लूड फाइल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इंक्लूड लगा, इसके बाद एक हेडर फाइल लगाते थे जिसका नाम था आई ओ स्ट्रीम डॉट एस। फिर मैंने बताया कि इसके दो फंक्शन है, आई और ओ, यानी सी इन सी आउट को डिक्लेरेशन करेगा, ठीक है। अब इसी को अपन आगे बढ़ते हुए एक नेम स्पेस है, तो इसके जस्ट बाद एक फाइल का यूज करते थे, जैसे क्लास डिफाइन करना या मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना। तो क्लास और मेंबर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यहां पर एक फाइल का नाम है, जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये लगाते थे, और ये इससे अपनी एक क्लास और मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया जाता था, ठीक है। तो अब इसके अंदर कुछ अपन सीख लेते हैं कि नेम स्पेस कहां पर होगा। तो आप इस नेम स्पेस में, एक तो हमेशा जब भी नेम स्पेस की फाइल लगेगी, उस फाइल के पीछे एसटीडी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, जो एक क्या है, स्टैंडर्ड क्लास लाइब्रेरी को परिभाषित करता है। एक इसके अंदर क्या होता है कि जो नेम स्पेस का उपयोग है उसके लिए एक फाइल लगती है जिसका नाम है यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, दो चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ होती है कि इस नेम स्पेस यूजिंग का उपयोग अपन जो है नेम स्पेस का उपयोग है वो आइडेंटिफायर के लिए किया जाता है। अब आइडेंटिफायर है जो अपने आपने 11th क्लास में पढ़ के आए हो, इसके कुछ रूल्स भी है, वो अपन 11th में भी पढ़े हैं और इसमें भी पढ़ लेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइडेंटिफायर हमेशा ये ध्यान रखना कि वेरिएबल का नाम देने के लिए यूज किया जाता है, बस इतना ध्यान रख लो अभी फिलहाल। तो अब वेरिएबल का नाम कब देंगे कि जब अपन किसी प्रोग्राम के अंतर्गत कोई जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई डिक्लेरेशन करनी है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है कि सम दो संख्याओं को जोड़ने का आपको प्रोग्राम बनाना है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, और उस डाटा टाइप डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर जो आप दो संख्याओं को जोड़ने का, जैसे ए प्लस बी ये दो बना रहे थे, ये क्या एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये वेरिएबल यानी आइडेंटिफायर होता है, वो वेरिएबल का नाम देने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इसके भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो के अकॉर्डिंग उस ही आप वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो देखते हैं हम आईओ जो नेम स्पेस है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, दिस डिफाइन द स्कोप ऑफ द आइडेंटिफायर दैट आर यूज्ड इन द प्रोग्राम, यानी इसका उपयोग है वो किसके में होता है, आइडेंटिफायर के स्कोप को परिभाषित करता है ये। तो नेम स्पेस पे वो किसको परिभाषित करता है, आइडेंटिफायर को, पहली लाइन क्लियर हो गई। दूसरा ये कहता है यूजिंग द नेम स्पेस स्कोप राइट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी नेम स्पेस का उपयोग है तो उसके लिए कौन से सेंटेंस है, तो वो इसका सेंटेंस ये है कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी लिखना आपको, ठीक है। फिर तीसरी लाइन है कि std is the name space defined in the C++ standard class library। अब ये std है, ये आपको नेम स्पेस के पीछे लगाना है, और इसका उपयोग है वो अपन C++ के जो स्टैंडर्ड क्लास है उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपके नेम स्पेस के तीन लाइन हो गई जो आपको याद रखनी है।
अब इसमें से जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आता है एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। अब अगर बात करें कंपाइलिंग और लिंकिंग की, तो जो ये कंपाइलिंग है और ये लिंकिंग, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम OS, अब ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से, यानी आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे मान लो विंडो 7 है या XP है, विंडो 8 है या विंडो 10 है, इस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। तो ये जो कंपाइलिंग और लिंकिंग का उपयोग है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करेगा। अब आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे अपन बात करते हैं तो ज़्यादातर C++ का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे अपन टर्बो सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और एक बोरलैंड का भी आता है, ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन दोनों सॉफ्टवेयर के अंदर आपको किस प्रकार से उन ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपाइल किया जाएगा और किस प्रकार से उनका लिंकिंग किया जाएगा वो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर सेटेंगे। तो अब हो सकता है आपके कंप्यूटर के अंतर्गत एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, यूनिक्स भी है, तो इस प्रकार से बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, XP है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, लिनक्स या यूनिक्स, तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ये जो C++ है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही कार्य करेगा, जो कंपाइलिंग और लिंकिंग। अब बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो लिनक्स का पूछा जाता है कई बार, कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप किस प्रकार से प्रोग्राम की फाइल को सेव कर सकते हो, या फिर किस प्रकार से प्रोग्राम की फाइल को आप रन या कंपाइल या उसको लिंकिंग कर सकते हो। तो इतना तो आपको पता ही है कि कोई भी फाइल है तो उसके पीछे, मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था, उसके पीछे .C++ या फिर आप .C के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमें यह पता लग जाएगा ये जो फाइल है वो किसकी है, C++ की है या फिर C भाषा की है, यानी इन दोनों के द्वारा। अब कई बार क्या होता है कि जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर एक जीनियस नाम की एक फाइल होती है जिसके अंदर अपन G++ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब G++ है वो C++ का ही पार्ट है। अब इसके अंतर्गत एक चीज आती है, जैसे एक फाइल का नाम है, जैसे एक सोर्स फाइल है, ठीक है, अब उस सोर्स फाइल का नाम है, जैसे आपने प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को आप सेव करना चाहते हो या फिर आप प्रोग्राम को स्टोर करना चाहते हो, तो स्टोर करने के लिए अपन क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के लिए क्या करेंगे, उसका अपन नाम एक डिसाइड करेंगे कि हम इस फाइल को इस नाम से सेव करना है। तो एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम को मैं एक मालाराम के नाम से सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मालाराम के नाम से सेव किया। अब मैंने उसको आइडेंटिफाई करवाना है कि उसके पीछे जैसे डॉट लगाऊं और CPP, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो CPP है वो एक C++ फाइल का प्रोग्राम है। अब इसके लिनक्स के अंदर एक GNU नाम का एक सी प्रोग्राम होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है जो अपने इसके अंदर स्टोर किया जाता है। फिर इसके अंतर्गत एक और चीज कि जब इस प्रोग्राम के अंतर्गत जब आपने इस प्रकार से फाइल को सेव कर दिया तो ये क्या करता है, ये कंपाइल करेगा, ये प्रोग्राम को कंपाइल करवाएगा, और कंपाइल करने के बाद क्या करेगा, ये आपको एक ऑब्जेक्ट का डेवलप करेगी, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए इस प्रकार की फाइल आएगी malaram.o, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का निर्माण हो गया, और ऑब्जेक्ट का निर्माण होते ही ये डायरेक्ट आपके एक लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो एक नई फाइल को डेवलप किया जाएगा जिसके अंतर्गत लिखा आएगा कि ABCOUT या O.OUT का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो अब अपन इस लिनक्स के बारे में देखते हैं कि क्या है कंपाइलिंग का। तो देखो, देर का है कि द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग एंड लिंकिंग डिपेंड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो कंपाइलिंग और लिंकिंग की जो प्रक्रिया है वो किस पर डिपेंड करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर करती है, यानी आपके कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो कंपाइलिंग और लिंकिंग का कार्य रहेगा। अब जैसे किसी के कंप्यूटर में विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, तो इस प्रकार से ये
डिपेंड रहेगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपने लिनक्स के बारे में पूछा कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इसमें अपन किस प्रकार से इसका यूज करेंगे। तो देखो, इन द लिनक्स सिस्टम मैन जी प्लस प्लस एंड जेएनयू प्लस प्लस आर यूज्ड विच इज ए फ्री डेवलपमेंट टूल्स। यानी ये क्या होता है कि लिनक्स प्रणाली के अंदर एक जी प्लस प्लस और जेएनयू जी प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है, जो किस प्रकार से डेवलप है, फ्री डेवलपमेंट टूल है, यानी जो जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, जिसे अपन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जान सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया लास्ट 11th में आपने पढ़ा भी था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो मतलब जिसका उपयोग हर कोई कर सकते हैं। इसके सोर्स कोड तो होते तो हैं लेकिन उन सोर्स कोड को आपको दिया नहीं जाते, वो सोर्स कोड कुछ समय तक निश्चित अनिश्चित रहते हैं। कुछ समय तक आप सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, बाद में ये जिसे अपन अपन अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, जिसे अपन ट्रायल वर्जन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कि दिस कंपाइलर आर इंट्रोड्यूस बाय लिनक्स सिस्टम ओनली, और कंपाइलर के द्वारा ही लिनक्स सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर उसके बाद बट नॉट ऑल ऑफ द दिस आर इंस्टॉल इन द लिनक्स सिस्टम, और इन सभी को आप लिनक्स सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते। द लिनक्स सिस्टम एक्ट लाइक ए यूनिक्स सिस्टम, यानी लिनक्स है वो यूनिक्स की तरह ही है, ठीक है। तो मतलब लिनक्स जो सिस्टम है उसके अंदर सबसे मेन बात आती है वो जी प्लस प्लस और जेएनयू जी प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है, जो किस प्रकार से होते हैं, फ्री डेवलपमेंट टूल है ये दोनों। अब ये कहता है कि दिस कंपाइलर आर इंट्रोड्यूस्ड बाई लिनक्स सिस्टम ओनली, यानी लिनक्स सिस्टम के द्वारा ही इनको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और ये कहता है कि जो ये जी प्लस प्लस और जेएनयू जी प्लस प्लस है, ये जरूरी नहीं है कि सभी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होंगे, कुछ ऐसे भी है जिनको आप ऑपरेटिंग लिनक्स सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर यह था है कि जो कुछ लिनक्स सिस्टम है वो यूनिक्स की तरह ही उपयोग किए जाते हैं। तो अपन बात करते हैं लिनक्स प्रणाली में मुख्य जी प्लस प्लस और जेएनयू जी प्लस प्लस का उपयोग किया जाता है, जो एक फ्री विकास उपकरण है। ये कंपाइलर केवल लिनक्स सिस्टम द्वारा पेश किया जाता है या इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, यानी उनका परिचय किसके द्वारा किया जाएगा, लिनक्स सिस्टम के द्वारा। लेकिन ये सभी लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है और नहीं उनको इंस्टॉल किया जा सकता, इसलिए कहता है कि लिनक्स प्रणाली है एक यूनिक्स प्रणाली की तरह ही काम करती है, ठीक है। तो अब इसका जो एग्जाम्पल है वो आप देख लो कि किस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि एक फाइल का नाम है वो मैंने क्या रखा, बालाराम दिया, और उसके पीछे डॉट सी प्लस प्लस या सी पी पी का भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है जो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के दोनों के इक्वल है। अब इसी जो मैंने ये एग्जाम्पल दिया इसी को वापस डिस्क्रिप्शन करवा रहा हूँ कि दिस कमांड कंपाइल्स द प्रोग्राम, यानी इस कमांड को अपन प्रोग्राम के तो कंपाइल करेंगे, रिटर्न इन द ए बी सी सी पी पी फाइल, यानी ए बी सी, या फिर आप यहाँ ए बी सी की जगह मालाराम डॉट सी पी पी भी लिख सकते हो, ठीक है। द कंपाइलर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट फाइल, और फिर ये क्या करेगा, ये जो फाइल थी अपने यहाँ लगाई थी मालाराम डॉट सी प्लस प्लस, इस फाइल को ये क्या आपने एक सोर्स फाइल है। अब इसके अंदर क्या करेगा, ये जो कंपाइल करेंगे अपन, तो कंपाइल करने के बाद ये जो कंपाइलर होगा वो क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, यानी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा तो यहाँ लिखा आएगा मालाराम डॉट ओ, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखा है कि ए बी सी डॉट सी पी एक फाइल है, और ये फाइल क्या करेगा, द कंपाइलर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फाइल, और ये कंपाइलर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल को क्रिएट करेगा जिसका नाम होगा ए बी सी डॉट ओ। एंड ऑटोमेटिकल क्रिएट्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लिंक्ड विथ लाइब्रेरी फंक्शन, एंड द डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल इज नेम्ड ए आउट, ठीक है। यानी ये ऑटोमेटिकल क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद क्या होगा, उस फाइल को निष्पादित कर देगा, और निष्पादित करने के बाद वो किसके साथ निष्पादित हो जाएगी, लाइब्रेरी फंक्शन के साथ उसको निष्पादित किया जाएगा, और फिर इसका जो डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल होगा वो ये होगा ए डॉट आउट, ठीक है। अब इसको देखो हिंदी मीडियम वाले कि ये कमांड जो ए बी सी डॉट सी पी पी एक प्रकार की फाइल है, इस फाइल में लिखे गए प्रोग्राम को
जब अपन कंपाइल करते हैं या करती है तो कंपाइलर क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट फाइल जो abc.o का निर्माण करता है और स्वतः ही लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होकर एग्जीक्यूटेबल फाइल का निर्माण करता है और फिर उसके बाद डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल का जो नाम है a.out होता है। ठीक है, तो अब जो ये एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है निष्पादन करना, यानी जो आपने एक फाइल बनाई थी abc.cpp, ये एक फाइल है। अब ये फाइल को जैसे अपन निष्पादित करेंगे, यानी प्रोग्राम को जैसे इस फाइल के अंदर हमने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम बनाने के बाद जब इस प्रोग्राम को अपन कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने के बाद इसको निष्पादित भी तो करना भी जरूरी है ना। तो जैसे उसको निष्पादन करेंगे यानी उसको अपन एग्जीक्यूटेबल करेंगे तो ये क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद ये सीधा किसके साथ लिंक हो जाएगा, लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक हो जाएगा और लाइब्रेरी फंक्शन के साथ लिंक होते ही ये सीधा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल का निर्माण करेगी और फिर जो इसका डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम होगा वो a.out होगा और जो मैंने एग्जांपल में मालाराम बताया था तो m.out हो जाएगा। अब इस फाइल में जो अपने कंपाइल करते हैं, कंपाइल और लिंकिंग के साथ कुछ कमांड यानी कुछ ऑप्शन होते हैं, उन ऑप्शन में क्या होता है कि किस प्रकार से फाइल को सेव करना है या किस प्रकार से फाइल को अपन ओपन करेंगे, किस प्रकार से फाइल को एडिट करेंगे या फिर किस प्रकार से फाइल को कंपाइल करेंगे और किस प्रकार से फाइल को रन करेंगे, तो इन सभी ऑप्शन का अपन उपयोग पड़ेंगे। तो इन सभी ऑप्शन का उपयोग पढ़ते हैं तो ज़्यादातर इनका ऑप्शन का उपयोग है वो अपन एमएस डॉस में पढ़ते हैं, यानी ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एमएस डॉस में क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब मैंने आपको बताया कि एमएस डॉस, अब एमएस डॉस में मैंने आपको पहले बताया भी था कि इसके अंदर अपन प्रोग्राम है जो C++ का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें दो सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो होता है टर्बो और एक होता है बोरलैंड, ये दोनों C++ के सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ फाइलें जो डेवलप की जाती है उनको अपन क्या करते हैं एमएस डॉस में उपलब्ध भी करवाते हैं और एमएस डॉस क्या करता है एक एडिटर का उपलब्ध करवाता है, यानी इसके अंदर एक एडिटर भी होता है जिसमें आपने मैंने आपको बताया कि फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को एडिट करना या फाइल को कंपाइल या रन करना। तो आप देखो जैसे फाइल को अगर आपको सेव ओपन करना है या न्यू फाइल करनी है तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक फाइल मेन्यू का ऑप्शन उपयोग करेंगे। फाइल मेन्यू में क्या होता है कि फाइल को सेव और फाइल को क्रिएट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ये इसका उपयोग है किसमें, फाइल मेन्यू। फिर उसके बाद एडिट, तो एडिट मेन्यू में क्या होता है कि जैसे कोई आपकी प्रोग्राम फाइल है, ठीक है, उस प्रोग्राम फाइल में जैसे आपने एक लाइन लिखी एंटर द वैल्यू ऑफ ए लिखना था और इसकी जगह आपने बी लिख दिया तो उसमें फिर क्या करना, अपन एडिट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है नहीं, यानी ए को हटा के क्या करेंगे बी लिखेंगे। तो एडिट में ऑप्शन में क्या हो गया कि जो है उनको एडिट करने के लिए या फिर हिंदी में बात करें तो संपादन करने के लिए इसका उपयोग या संपादक करने के लिए उपयोग करते हैं। फिर इसके अंदर एक ऑप्शन आता है कंपाइल का, यानी कंपाइल का उपयोग क्या किस लिए करते हैं कि जब आपने प्रोग्राम पूरा कंप्लीट बना लिया, यानी C++ का आपने प्रोग्राम ही बना दिया तो उस प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए। अब कंपाइल क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसका पता लगाएंगे कि हमने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई एरर है या नहीं। तो कंपाइल किस लिए करेंगे, यानी एरर का पता करने के लिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आ रही है या नहीं आ रही, इसलिए उसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करते हमें पता लग जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में एरर है या नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है रन मेन्यू। रन मेन्यू में क्या होता है कि आप प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हो, प्रोग्राम को लिंक भी कर सकते हो और प्रोग्राम को रन भी कर सकते हो। अब आप देखोगे कंपाइल और रन में क्या फर्क है, इन दोनों में ये है कि इसमें तो क्या होता है एरर का पता लगाना कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है या नहीं, और रन में क्या होगा कि जब किसी भी प्रकार की अगर एरर नहीं होगी तो वो फिर हमसे क्या पूछेगा, वैल्यू के बारे में पूछेगा कि जो आपने एक प्रोग्राम लिखा था, जैसे एक लाइन लिखी थी एंटर द वैल्यू ऑफ ए तो वो ए की वैल्यू पूछेगा और फिर आपको ए की वैल्यू को एंटर करना है। ठीक है, तो ये रन के द्वारा संभव है। तो रन में तीनों ऑप्शन कर सकते हो, आप कंपाइल भी कर सकते हो, प्रोग्राम को लिंक भी कर सकते हो लाइब्रेरी फंक्शन के साथ
और प्रोग्राम को रन भी कर सकते हो। तो देखते हैं अपन इसके बारे में। तो दे रखा है देखो MS-DOS, MS-DOS में जो मैंने आपको बताया कि टर्बो C++ एंड बोरलैंड C++ कंपाइलर्स प्रोवाइड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट टू MS-DOS, यानी ये जो है MS-DOS के अंतर्गत C++ का जो सॉफ्टवेयर है, एक तो टर्बो है और एक बोरलैंड होते हैं, ठीक है, ये सब आपके MS-DOS में उपलब्ध होते हैं। इट प्रोवाइड्स एन एडिटर विथ फाइल एडिट कंपाइलर एंड रन ऑप्शन। अब ये कहता है कि जो MS-DOS है वो एक आपका एडिटर भी उपलब्ध करवाता है, जिसके अंतर्गत है वो एक तो फाइल है, एक एडिट है, एक कंपाइलर है और एक रन ऑप्शन है, ठीक है। तो देखो फाइल ऑप्शन का उपयोग क्या होता है, टू क्रिएट एंड सेव द सोर्स फाइल, यानी फाइल ऑप्शन का उपयोग है वो अपन किस लिए करते हैं, फाइल को क्रिएट यानी बनाने और सेव करने के लिए। एडिट ऑप्शन का उपयोग किस लिए करते हैं कि एडिट द सोर्स फाइल, जो फाइल है उसको अगर एडिट करना हो तो फिर एडिट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। और कंपाइल ऑप्शन का उपयोग किस लिए करेंगे कि कंपाइल द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो फिर कंपाइल का उपयोग करेंगे। फिर आता है रन ऑप्शन, रन ऑप्शन में ये कहता है कंपाइल लिंक एंड रन प्रोग्राम टुगेदर, यानी आप प्रोग्राम को कंपाइल भी कर सकते हो, प्रोग्राम को लिंक भी कर सकते हो और प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ करने के लिए अपन रन का ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब ये कि ये में ऐसा लिखा हुआ है कि टर्बो C++ और बोरलैंड C++ एक कंपाइलर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट को MS-DOS में उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक एडिटर भी उपलब्ध कराता है, जिसके साथ आप फाइल एडिट और कंपाइल और रन विकल्प होते हैं। इन सभी का उपयोग भी किस लिए होता है ये भी मैंने आपको बता दिया कि जैसे अगर आपके पास फाइल मेन्यू है तो उसके अंदर आप फाइल को बना सकते हो और फाइल को सेव कर सकते हो। अगर आपके पास एडिट मेन्यू है तो इसमें उसके फाइल को अपन एडिट कर सकते हैं। आपके पास कंपाइल है तो कंपाइल का उपयोग किस लिए किया जाएगा कि प्रोग्राम को कंपाइल कराने के लिए। और आपके पास रन ऑप्शन है तो प्रोग्राम को कंपाइल लिंक और रन एक साथ करने के लिए रन ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब आता है अगला टॉपिक हमारा टोकन। तो इसमें तो हमने सीख लिया कि कंपाइलिंग है वो किस प्रकार से अपन करेंगे, तो कंपाइलिंग और लिंकिंग है वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही डिपेंड करेगी। जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसी के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोग्राम को कंपाइल और लिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। अब एक अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टोकन्स। टोकन्स है वो क्या होता है कि प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई, प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होती है उस छोटी इकाई को अपन टोकन्स कहते हैं। बस टोकन्स की ये परिभाषा है, यानी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई है उसको टोकन कहा जाता है। अब अपन जो प्रोग्राम में जो टोकन होते हैं अगर उनको प्रकार में देखा जाए तो जो आपके इम्पोर्टेंट टोकन है वो एक तो एक कीवर्ड्स, फिर इसके बाद एक आइडेंटिफायर, फिर उसके बाद एक कॉन्स्टेंट, फिर उसके बाद ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये सभी टोकन है, इन टोकन का उपयोग अपने C++ में किया जाएगा। और जो ये टोकन टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कई हर बार एक न एक क्वेश्चन के जरूर बारे में पूछा जाता है, चाहे वो कीवर्ड के बारे में पूछे, चाहे वो आइडेंटिफायर के बारे में पूछे, चाहे कॉन्स्टेंट के बारे में पूछे, चाहे ऑपरेटर के बारे में पूछे, इन किसी ने एक का आपको जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। एक नंबर का क्वेश्चन होगा या दो नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से आपका जरूर पूछा जाएगा। तो टोकन्स को पढ़ते हैं। टोकन से मैंने बता दिया कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन, यानी प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको अपन टोकन्स कहते हैं। अब टोकन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 5 टोकन होते हैं, कौन कौन से देख दो। एक तो होता है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, ऑपरेटर, स्ट्रिंग और एक होता है स्पेशल करेक्टर। अब इसमें से अपन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद कुछ जो जैसे ऑपरेटर है, स्पेशल करेक्टर है, इसको मैं आपको समझा दूंगा किस प्रकार से, ठीक है। तो हिंदी में देखो कि प्रोग्राम की जो सबसे छोटी इकाई है, यानी प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई को टोकन कहा जाता है। ये कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार से। ये इनके नाम लिखे, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, कॉन्स्टेंट, स्ट्रिंग, ऑपरेटर और स्पेशल करेक्टर को अपन कहते हैं विशेष चिन्ह। अब इनमें से सबसे पहला अपन लेते हैं कीवर्ड्स, के कीवर्ड्स क्या होता है। अब अगर कीवर्ड्स की बात करें, यानी कीवर्ड्स होता है क्या और इसका उपयोग क्या है, कीवर्ड्स देखो
तो अगर कीवर्ड्स की बात करें तो इसको आप एक दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जिसको अपन कहते हैं रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड के नाम से भी कह सकते हो या फिर आप उसे आरक्षित शब्द भी कह सकते हो। ये हमने 11th में पढ़ के आए और हमने ये पढ़ा कि ये जो कीवर्ड और आरक्षित शब्द होते हैं ये पूरे प्रोग्राम के अंदर मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। ये ऐसे होते हैं जिसको आप बदल नहीं सकते, या फिर आप उसे ये भी कह सकते हो दूसरी भाषा में, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं जो ऑलरेडी पहले से C++ के अंदर मौजूद होते हैं, यानी आप इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम इसको बदला, प्रोग्राम के द्वारा इसको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये कीवर्ड होते हैं। कुछ कीवर्ड है जिनमें जैसे इंटीजर है तो वो कीवर्ड है, करैक्टर है तो वो कीवर्ड है, फ्लॉट है तो वो कीवर्ड है। कुछ कीवर्ड तो मैंने आपके यहाँ इसमें उपलब्ध करवा दिया और कुछ कीवर्ड है वो आपको अपने बुक के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको लगभग जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है जिसमें से कम 10-12 कीवर्ड आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कि देज आर रिजर्व वर्ड विच कैनॉट बी चेंज बाई द प्रोग्रामर, दे कैनॉट बी यूज टू नेम वेरिएबल। यानी ये क्या होता है, ये कहता है कि ये रिजर्व वर्ड है जिसको चेंज प्रोग्रामर के द्वारा इसको चेंज नहीं किया जा सकता, और ये कहते हैं दे कैनॉट बी यूज टू नेम वेरिएबल, यानी इसमें वेरिएबल का नाम देने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। अब उसमें किस किस के लिए यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल का नाम देने के लिए कॉन्स्टेंट में इसका यूज नहीं कर सकते, या फिर अदर यूजर डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट में आप उसका यूज नहीं कर सकते। तो ये भी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। यानी ये रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका अर्थ प्रोग्रामर के द्वारा बदला नहीं जा सकता, यानी जो प्रोग्रामर कौन आप, यानी आपके द्वारा इसका अर्थ नहीं बदल सकते। इनका प्रयोग वेरिएबल, कांस्टेंट और अन्य यूजर डिफाइंड प्रोग्राम इकाइयों के नाम के लिए नहीं किया जा सकता, यानी आप इसका वेरिएबल के लिए नहीं कर सकते। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर क्या है, कीवर्ड है, तो इसका उपयोग आप वेरिएबल देने के लिए नहीं कर सकते, इसकी जगह आप दूसरा वेरिएबल कर सकते हो। यानी फिर आप कीवर्ड का उपयोग कांस्टेंट के लिए नहीं कर सकते, या फिर आप उसका यूजर डिफाइंड के लिए भी आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अब जो ये है डबल, न्यू, स्विच, असम, ऑटो, ब्रेक, कैश, कैश, इल्च, इन्यूमेटेड, फ्लॉट, पब्लिक, इंटीजर, ये सब है वो क्या आपके कीवर्ड है। कुछ कीवर्ड मैंने यहाँ लिख दिए, बाकी के आपके बुक में मिल जाएंगे। अब अगला है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिसका पूरे प्रोग्राम के अंदर मान को परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी डू नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम, यानी पूरे प्रोग्राम के अंदर वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब मैं अगर एग्जांपल दूं आपको तो वो एग्जांपल आता है जैसे पाई। अब हमें पता है पाई का मान है 22/7, भले आप कहीं लिखोगे उसका मान 22/7 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब वो होता है कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, समझ गए। तो कॉन्स्टेंट का मतलब है, अब कॉन्स्टेंट को हिंदी में कहेंगे तो अपन कह सकते हैं स्थिरांक, यानी जो मान कैसे रहता है स्थिर रहता हो उसको अपन स्थिरांक कहते हैं, जिसका मान परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड वैल्यू दैट डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंतर्गत उस वैल्यू को अपन चेंज नहीं कर सकते, या प्रोग्राम के जब अपन निष्पादन करेंगे तो उस निष्पादन के दौरान उस वैल्यू में परिवर्तन नहीं आता हो, इस प्रकार के वैल्यू को अपन कॉन्स्टेंट कहेंगे, कॉल्ड कॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी फिक्स्ड वैल्यू जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान बदलती नहीं है उन्हें कॉन्स्टेंट कहा जाता है। अब कॉन्स्टेंट में भी प्रकार होते हैं, जिसके अंदर जैसे मान लो इंटीजर टाइप का कॉन्स्टेंट है, फिर उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट टाइप का कॉन्स्टेंट है, या फिर आपके करैक्टर टाइप का कॉन्स्टेंट है। तो जैसे इंटीजर टाइप का कॉन्स्टेंट है तो हमें पता लग जाएगा कि जैसे 2, 5, 6 ये क्या इंटीजर है। फ्लोटिंग में होगा तो हमें पता लग जाएगा कि कोई वैल्यू होगा उसमें पॉइंट दर्शाई जाएगी। अब करैक्टर होगा तो हमें पता हो जाएगा या तो वो डबल क्वार्टेट में बंद होगा या फिर सिंगल क्वार्टेट के अंदर बंद होगा। तो ये हो गए इंटीजर में फ्लोटिंग और करैक्टर। अब इंटीजर में भी क्या होता है, टाइप हो जाते हैं, यानी कुछ ऑक्टल नंबर के होते हैं, डेसिमल नंबर के भी हो सकते हैं और हेक्साडेसिमल के नंबर के भी हो सकते हैं। तो इतना अपन को गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, अपन को यह ध्यान रखना है कि इंटीजर नंबर होते हैं या तो वो डेसिमल इंटीजर होंगे और या फिर वो ऑक्टल इंटीजर होंगे।
तो डेसिमल होगा तो हमें पता लगता है, क्योंकि हमने देखा है कि भी जैसे मान लो 0 to 9 है तो फिर क्या है, डेसिमल है, और 0 to 8 तक आते हैं तो फिर वो ऑक्टल है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना। फिर आता है अपना एक नया आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर की बात करें, आइडेंटिफायर को हिंदी में कहते हैं अभिज्ञानक। तो देखो, आइडेंटिफायर रेफर टू द नेम टू वेरिएबल फंक्शंस एरे क्लासेस ईटीसी डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। यानी इसके अंदर ये कहता है कि वेरिएबल फंक्शन और एरे क्लास इत्यादि के नाम जो प्रोग्राम के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें अपन आइडेंटिफायर कह सकते हैं। यानी आइडेंटिफायर आपको वेरिएबल का नाम आप दे सकते हो, फंक्शन में आप दे सकते हो, एरे का नाम आप दे सकते हो, किसी क्लास का नाम दे सकते हो, इन इन सभी का आप नाम दिया जाता है, उनको अपन आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर के नियम देखो, सबसे पहला ये कहता है कि ओनली लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर आर अलाउड। यानी इसके अंदर एक तो आपके अलाउ किए जाएंगे डिजिट, यानी जिसको अपन कह सकते हैं डिजिट अलाउ होगी, फिर उसके बाद उसके अंदर नंबर अलाउ किए जाएंगे डिजिट के अंदर A to Z, वो चाहे कैपिटल हो या स्मॉल लेटर, जैसे अपर या लोअर। नंबर के अंदर 0 to 9 अलाउ किए जाएंगे और अंडरस्कोर ये। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट कि ओनली लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर अलाउ। हिंदी में कहें तो केवल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंक और अंडरस्कोर का उपयोग करेंगे। फिर इसके बाद ये कहते हैं इट कैनॉट बिगिन विथ ए डिजिट, यानी उसको नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे आप शुरुआत में कोई भी अगर आपने वेरिएबल दोगे तो आप इस प्रकार से वेरिएबल को अपन नहीं दे सकते, यानी किसी अंक के नाम से शुरुआत अपन नहीं कर सकते। पहला तो क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर होंगे, अंक आएंगे और अंडरस्कोर होगा। दूसरा क्या होगा, किसी अंक के साथ उसकी शुरुआत नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी क्या कहता है कि इट केस सेंसिटिव, सो अपर केस एंड लोअर केस। यानी इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया डिजिट के अंदर, तो डिजिट में आगे A to Z, चाहे वो कैपिटल लेटर के हो या स्मॉल लेटर के हो। तो तीसरा भी पॉइंट क्लियर कि अंग्रेजी के छोटे व बड़े अक्षर अलग अलग माने जाते हैं, तो दोनों की वैल्यू अपन अलग डिसाइड करेंगे। तीसरा पॉइंट क्लियर। स्वतः कहता है कि द कीवर्ड कैनॉट बी यूज टू नेम वेरिएबल, यानी इसका अपन वेरिएबल के नेम के लिए इसका यूज अपन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अपन ये इस प्रकार से आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब देखो आइडेंटिफायर पहला क्या होता है कि लेटर डिजिट और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, डिजिट के साथ इसकी स्टार्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर कैपिटल के दोनों लेटर आते हैं लोअर और अपर केस, और लास्ट वाला आया कि कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड कैनॉट यूज टू नेम वेरिएबल, यानी वेरिएबल का नाम देने के लिए कीवर्ड का उपयोग नहीं किया जाता। ये हमने उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ा। इसमें अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो जिस दिन डाउट क्लास लगेगी उस दिन अपन क्लियर कर देंगे। तो ये समझ में आ गया कि टोकन से वो कौन से थे, कीवर्ड है, आइडेंटिफायर है, कॉन्स्टेंट है, ये पढ़ा। अब उसके कुछ और रह गए, जैसे ऑपरेटर है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।